हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉन्टी चॉकलेट की रेसिपी, जिसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हम बॉन्टी चॉकलेट घर पे कैसे बना सकते हैं, तो आज हम ये इस वीडियो में देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बॉन्टी चॉकलेट की फिलिंग बना लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पे लेना है डेसिकेटेड कोकोनट। तो ये अराउंड मैंने यहाँ पे 2 कप जो है डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे लेना है मिल्क मेड। ये 200 ग्राम का कैन है, लेकिन हम इसमें से आधा ही यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम मिल्क मेड इसमें ऐड कर देते हैं। अराउंड हमें यहाँ पे आधा यानी 100 ग्राम मिल्क मेड इस्तेमाल करना है, लेकिन हमें इसे आधे आधे बैच में ही ऐड करेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर देते हैं, इसे फिर से मिक्स करें और फिर से हम इसमें थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। तो टोटल यहाँ पे अराउंड हमें आधा जो कैन है यानी 100 ग्राम मिल्क मेड इस्तेमाल करना है। अब मैं इसे हाथों से ही मिक्स कर लेती हूँ और हमें इसका एक डो बना लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे हाथों का ही इस्तेमाल करें इसे मिक्स करने के लिए, ताकि इसका एक अच्छा डो बन जाए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसे थोड़ा सा हमें इस तरह से मसल लेना है ताकि इसका एक अच्छा सा एक डो बन जाए। तो इस तरह से धीरे धीरे करके इसका एक डो फॉर्म बन जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से इसका जो डो है वो बनके तैयार है। इससे हम इसकी स्टफिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पे हमने दूध या फिर घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है, ये सिर्फ हमने मिल्क मेड में बनाया है और ये सबसे आसान तरीका है इसे बनाने का। अंदर की फिलिंग बनाने के लिए हम इसमें से थोड़ा सा एक हिस्सा निकाल लेते हैं, इसे अच्छे से राउंड कर दें और इसके बाद हमें इसे हाथों के बीच में रखकर इसे एक रोल शेप में बना लेना है। इसे हल्का सा प्रेस कर दें और इस तरह से चॉकलेट बार का एक शेप दे दें। तो आप बहुत ही आसानी से हाथों से ही इसे एक चॉकलेट बार का शेप दे सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें धीरे धीरे करके इसे प्रेस करना है, साइड से चारों तरफ से इसे प्रेस कर दें और इसे एक चॉकलेट बार का शेप दे दें। तो आप बिना मोल्ड के भी इसे आराम से चॉकलेट बार का एक शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास मोल्ड है तो आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे बार्स भी बना लेते हैं। तो हमें थोड़ा सा हिस्सा ले लेना है, आप अपनी पसंद से जो रोल्स है वो कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और इस तरह से इसे हाथों के बीच में रोल करके इसे हमें प्रेस करना है चारों तरफ से और एक चॉकलेट बार का शेप दे देना है। तो हम बहुत ही आसानी से इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जो अंदर का कोकोनट फिलिंग जो है उसकी जो बार है वो मैंने बना लिए हैं। अब हम बाहर का आउटर पार्ट बनाने के लिए ले लेते हैं। चॉकलेट का आउटर पार्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क कंपाउंड का इस्तेमाल किया है। तो ये टोटल 400 ग्राम का पूरा बार आता है, जिसमें 4 पार्ट्स होते हैं। तो इसमें से हमें 2 पार्ट्स का इस्तेमाल करना है, यानी हमें 200 ग्राम चॉकलेट यहाँ पे लेना है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बीच में से कट लगा देती हूँ। तो इस तरह से हमें इस चॉकलेट बार के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं, ताकि इसे मेल्ट होने में आसानी हो जाए। तो मैंने यहाँ पे एक पतीले में पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। पानी जो है हमें पूरी तरह से नहीं भरना है, हमें इसे आधे से भी थोड़ा कम रखना है। अब हम इसके ऊपर जो बोल है वो रख देते हैं और इसे डबल बॉयलर मेथड से हमें मेल्ट करना है। ध्यान रखें कि पानी जो है वो बोल को टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हम डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट करेंगे। धीरे धीरे चॉकलेट जो है वो मेल्ट होना शुरू हो चुका है। ध्यान रखें कि इसे कंटिन्यूस चलाते रहिए, ताकि इसमें चॉकलेट के छोटे छोटे लम्स ना रहे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चॉकलेट जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अगर आप चाहें तो मिल्क कंपाउंड के बदले में डार्क कंपाउंड का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। चॉकलेट को प्लेस करने के लिए हमें इस तरह का एक ट्रे ले लेना है और उसके ऊपर हमें पार्चमेंट पेपर रखना है, जिसे बटर पेपर भी कहते हैं। इस तरह से हम इसे अरेंज करके रख देते हैं। अब हम फोक की मदद से चॉकलेट बना लेते हैं। तो इस कोकोनट बार को हमें इस चॉकलेट में डिप कर लेना है। तो इसे पूरी तरह से हमें डिप करना है, ताकि चारों तरफ से चॉकलेट जो है वो अच्छे से लग जाए और एक्सेस चॉकलेट है वो हमें इस तरह से निकाल देना है। अब हम इसे इस बटर पेपर पे प्लेस कर लेते हैं।
इसी तरह से हम बाकी के भी सारे चॉकलेट्स बना लेते हैं। कोकोनट बार को हमें चॉकलेट में डिप कर लेना है और इस तरह से एक्सेस चॉकलेट जो है उसे निकाल लेना है और बहुत ही आराम से हमें इसे जो है फोक की मदद से बटर पेपर पे रख देना है। तो इसी प्रोसेस से हमें सारे चॉकलेट जो है वो बना लेने हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। बॉन्टी चॉकलेट पे हल्की सी डिज़ाइन होती है, वो हमें स्पैचुला की मदद से बनानी है। तो हमें हल्का सा प्रेस कर लेना है और छोड़ देना है, प्रेस करना है और छोड़ देना है। तो इस तरह से वो डिज़ाइन जो है वो बन जाती है। एक चॉकलेट बार में हमें बस 3 बार इस तरह से हल्के से प्रेस कर लेना है और छोड़ देना है। तो इसी तरह से हम बाकी की सारी चॉकलेट्स में भी डिज़ाइन बना लेते हैं। तो इन चॉकलेट को अब हम सेट करने के लिए रख देते हैं। इन चॉकलेट को हमें 10 से 15 मिनट तक के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इन चॉकलेट को फ्रीज़र से निकाल दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका एक परफेक्ट बॉन्टी का शेप आ चुका है, बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। कई बार चॉकलेट्स में एक्स्ट्रा ड्रिपिंग होने से इस तरह से चॉकलेट जो है बाहर की तरफ रह जाता है, तो उसे भी हम चाकू की मदद से इस तरह से निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आराम से इसे चाकू की मदद से निकाल दें ताकि एक बॉन्टी का अच्छा प्रॉपर चॉकलेट शेप आ सके। तो आप देख सकते हैं कि ये लग रहा है ना पूरी तरह से बॉन्टी चॉकलेट की तरह। तो हमारे होममेड बॉन्टी चॉकलेट जो है वो बिल्कुल तैयार है। बहुत ही आसानी से और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कितने परफेक्ट शेप में है। तो हमारे जो बॉन्टी चॉकलेट्स है बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। हमने जो कोकोनट की फिलिंग बनाई है वो बहुत ही परफेक्ट बनी है। तो इस होममेड बॉन्टी चॉकलेट की रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही बहुत सारे रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।